हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे डिस्कस योर डिफरेंट टॉपिक्स स्टैंडर्ड 8, योर सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम डिस्कस किए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, अलगी। बट टुडे आई हैव टू टीच फंगी। व्हाट इज फंगी? फंगी इट इज ऑर्गेनिज्म दैट हैज लैक ऑफ क्लोरोफिल एंड ग्रो इन मॉइस्ट कंडीशंस। करेक्ट, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल का लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है, यानी क्लोरोफिल का उसमें कमी होता है। उसके बाद ये जब भी ग्रो करता है तो मॉइस्ट कंडीशन में, यानी कि थोड़ी मात्रा में जो है कहीं ना कहीं मॉइस्ट होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, टेम्परेचर एवरेज होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा लो नहीं और ज़्यादा हाई भी नहीं। तो ऐसे कंडीशंस हम लोग मॉइस्ट कंडीशंस बोलते हैं। तो इसके लिए ये इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ऐसे कंडीशंस में ये ग्रो करता है जहाँ पे मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो, उसके सराउंडिंग मॉइस्ट हो, तो इस एरिया में जो है फंगी ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द मॉइस्ट फंगी आर सेप्रोफाइट एंड वाइल सम आर पैरासाइट। करेक्ट, कुछ ऐसे फंगी है जो सेप्रोफाइट्स नेचर के होते हैं जबकि कुछ जो है पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके थे या बैक क्लास में भी डिस्कस किए होंगे। सेप्रोफाइटिस का मतलब होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड प्लांट्स या डेड पार्ट्स से, डेड पार्ट्स को खा करके उस पर अपना जो है बॉडी का डिपेंडेंस होता है, यानी कि जो इटसेल्फ फूड जो है मेकिंग नहीं करता है, ये ऑटोट्रॉफिक नेचर का नहीं होता है, ये क्या होता है पैरासाइटिक नेचर का होता है, हेटरोट्रॉफिक का होता है, यानी दो दूसरे पे क्या होता है डिपेंडेंट होता है। यानी कि डेड प्लांट्स को या डेड अदर एनिमल्स पे जो है ये फंगी ग्रो करता है। इसका इस वे में सेप्रोफाइट्स भी नेचर के होते हैं और पैरासाइट्स जो कम्प्लीटली दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अपना फूड जो है खुद इटसेल्फ जो है प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो दूसरे से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। करें कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर के बारे में डिस्कस किए हैं जो सिंगल सेल का बना हो, और मल्टी सेलुलर के बारे में डिस्कस किए थे कि जो मोर देन टू सेल्स का बना हो। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ईस्ट है, मल्ड है, मशरूम, पेनिसिलियम, ये सब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं इसके बाद फंगी का। नेक्स्ट है डिस्कस कर रहे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? ये भी कह रहा है कि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी। ये कहाँ जो है फाउंड किया जाता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, सी में ये प्रोटोजोआ मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर आइदर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक एक्सेप्ट यूग्लिना। करेक्ट, ये या तो सेप्रोफाइटिक नेचर के हो सकते हैं या पैरासाइटिक नेचर के हो सकते हैं, एक्सेप्ट यूग्लिना को छोड़ करके। नेक्स्ट है इट कंटेंस क्लोरोफिल। इसमें भी जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी कि फंगी में भी प्रेजेंट था क्लोरोफिल और प्रोटोजोआ में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके कई एग्जाम्पल्स है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, टाइप एनसोमा। ये डिफरेंट डिफरेंट जो है एग्जाम्पल्स है प्रोटोजोआ का। अब हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को के बारे में डिस्कस करते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स है आपका मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स। इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ कहाँ करते हैं फूड आइटम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेकिंग सर्टेन फूड आइटम्स लाइक कर्ड, चीज, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज। ये सभी जो है मेकिंग करने में, फूड आइटम्स को मेक बनाने में जो है बैक्टीरिया का हेल्प लिया जाता है। जैसे हमको कर्ड बनाने में, कर्ड बनाने में जो है एक बैक्टीरिया है लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस नाम का बैक्टीरिया है जो हमें कर्ड बनाने में हेल्प करता है। क्यों? इसमें
कैसे नाम का प्रोटीन्स अवेलेबल होता है किसमें, मिल्क में, जो ये कैसिन कोगलेट होकर के ओनली व्हेन द मिल्क इज एसिडिक, और पहले जो है ये मिल्क में प्रेजेंट होता है कैसिन नामक प्रोटीन्स जो कोगलेट होकर के मिल्क को एसिडिक नेचर बनाता है, एसिडिक नेचर का बनाता है। उसके बाद जो है इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, तब जाकर के कर्ड का फॉर्मेशन होता है मिल्क से। तो आप एक इक्वेशन देख रहे होंगे आप बुक में, जब भी वीडियो को देखें तो हमेशा आप अपने बुक को ओपन करके रखें अपने पास। मिल्क प्लस कर्ड लैक्टोबैसिलस, इसमें बैक्टीरिया को डाला जाता है, फिर जो है मिल्क क्या हो जाता है एसिडिक नेचर का होता है। ये इसमें जब एसिडिक नेचर का होता है तो इसमें जो कैसिन प्रोटीन्स मौजूद रहता है अवेलेबल होता है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करके कर्ड में फॉर्मेशन करता है। और इसमें जो लैक्टोज, मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है, इसलिए ये लैक्टोज शुगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू लैक्टिक एसिड कन्वर्ट कर में हो जाता है। उसके बाद और कई सारे फूड आइटम्स होते हैं जिसको मेकिंग करने में बैक्टीरिया का हेल्प लिया जाता है, जैसे चीज यानी कि पनीर में भी जो है लैक्टोबैसिलस का हेल्प लिया जाता है, और कई सारे बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया एक्ट अपॉन टफ मीट एंड मेक इट सॉफ्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेंडरसेस ऑफ मीट। उसके बाद मीट को भी जो है सॉफ्ट बनाने बैक्टीरिया का हेल्प लिया जाता है। नेक्स्ट है ईस्ट सेल्स आर यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड पेस्ट्रीज एंड केक्स। उसके बाद बेकिंग इंडस्ट्री में इसमें ब्रेड्स पेस्ट्रीज केक्स बनाया जाता है, ऐसे इंडस्ट्री में ईस्ट सेल्स के थ्रू जो है बैक्टीरिया के ही फोर्स से डिफरेंट जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट आइटम्स तैयार किया जाता है। उसके बाद ईस्ट जो है आपका किसी भी फूड आइटम्स में जैसे इडली ढोकला डोसा ये सबको भी मेकिंग करने में जो है बैक्टीरिया का हेल्प लिया जाता है। उसके बाद जेली ये सबको भी बनाने में जो है बैक्टीरिया का हेल्प लिया जाता है। इसका कई सारे कॉमर्शियल यूजेज भी होते हैं, कॉमर्शियल यूजेज में खास करके अल्कोहल बनाने में जो है बैक्टीरिया का हेल्प लिया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काफ़ी अधिक अमाउंट में हेल्प लिया जाता है। जैसे ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बियर वाइन एंड एसिटिक एसिड। करेक्ट, अल्कोहल बियर वाइन और एसिटिक एसिड को मेकिंग करने में कॉमर्शियल पर्पस के थ्रू जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इस बैक्टीरिया का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्मेंटेशन क्या है, व्हाट इज फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, व्हाट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। इस माइक्रोब्स के एक्शन के थ्रू जो है शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है इसमें अल्कोहल में। एक लुईस पाश्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम में इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किए थे। कौन साइंटिस्ट, लुईस पाश्चर, कब किया था, 1857 में, कब 1857 में जो है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस का डिस्कवरिंग किया था लुईस पाश्चर। सम बैक्टीरिया आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड टोबैको। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो टी कॉफी एंड टोबैको को भी मेकिंग करने में हेल्प इसका यूज किया जाता है, हेल्प लिया जाता है। सम बैक्टीरिया टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एसिड्स लाइक लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो डिफरेंट एसिड के प्रोडक्शन में भी हेल्प लिया जाता है, लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन में, साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में, एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में, विनेगर मेकिंग करने में,
ये सभी जो है एसिड की प्रोडक्शन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, स्टैंडर्ड 9 हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशंस क्या, कौन कौन सा इक्वेशंस है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो इक्वेशंस देख रहे हैं। तो हेडिंग देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में यहां पे हम लोग यहाँ थ्री टाइप्स के इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिस्कस करेंगे। कितने टाइप? थ्री टाइप्स का। फर्स्ट इक्वेशन है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इक्वल वी प्लस ए टी। उसके बाद जो है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये थ्री इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ राइट करते हैं व्हेन योर बॉडी इज मूविंग, when our body is moving along a straight line with uniform accelerations acceleration, तो कौन कौन सा इक्वेशन डिस्कस करेंगे? v इक्वल यू टी, डी इक्वल सॉरी यू प्लस ए टी। उसके बाद s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये थ्री इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कितने इक्वेशंस? थ्री इक्वेशंस। फर्स्ट में क्या है आपका? वी इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू एस। यहाँ पे यू जो है वो यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग वेलोसिटी। जब कोई कार्स जो है ट्रेवल करेगा या यानी कि मोशन स्टार्ट होगा, तो उस टाइम का जो वेलोसिटी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। यू से इंडिकेट करते हैं इसे। नेक्स्ट है वी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। वी को क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। टी क्या है आपका? टाइम है। ए क्या है? एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन है। एस क्या है? यहां पर आपका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। इसमें सभी लेटेस्ट जो है आपको पता चल गया होगा। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। टी टाइम है, ए एक्सीलरेशन है, एस क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करते हैं। ये थ्री इक्वेशंस हो गया। अच्छी तरह ये हमें लर्न करना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग आगे किसी न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।